गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, लेसन 13, बुक एक्सरसाइज। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है। मोनेकोर इज सिचुएटेड नियर द बॉर्डर ऑफ द फ्रांस एंड जर्मनी। फॉल्स। द आर्मी इन द किंगडम कंप्राइज 60 मैन। हाँ, 60 मैन थे उसकी आर्मी में, क्योंकि वो छोटी सी वो जगह थी। ट्रू। If the convict had been executed, the excipender had to be shared by the government of Italy. False. The convict was eagerly waiting to escape. False. वो भागा नहीं था। The guard's duty was to watch the criminal and fetch the latest food from the palace kitchen. गार्ड की ड्यूटी थी कि उस क्रिमिनल की वो जो देख उसको देखता रहेगा और रखवाली करेगा और उसके लिए खाना लाएगा पैलेस में से। ट्रू। द मोनेको हैड ओनली वन स्ट्रॉन्ग प्रिजन टू द हाउस प्रिजनर। फॉल्स। द टास्क ऑफ गिविंग अ जजमेंट ऑन अ केस ऑफ मर्डर वॉज नॉवल थिंग फॉर द जरी बिकॉज द पीपल ऑफ आंसर क्या आएगा द पीपल ऑफ दैट किंगडम वॉज पीसेबल शांत प्रिय लोग थे एंड सच अ थिंग दैट हैड नॉट हैपन ऐसी घटना वहाँ पर कभी भी पहले कभी नहीं हुई थी। सेकेंड देखिए द प्रॉब्लम विद द डिसीजन टू एग्जीक्यूट द कन्विक्ट वाज दैट दे हैड नाइदर अ गुलोटिन फॉर कटिंग हेड। उन्होंने फिर जब उसने वो इतना बड़ा काम किया था उन्होंने उसको सजा दी गई थी कि उसका गला काट दिया जाएगा लेकिन वहाँ पर काटने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं था। द डेथ सेंटेंस वाज चेंज टू लाइफ इम्प्रिजेंट। जो डेथ की सेंटेंस जो है उसके लाइफ को प्रिजन कैदी की लाइफ को चेंज कर दिया था। दिस वुड इनेबल द किंग टू शो हिज मर्सी एंड इट वुड बी मच चीपर देन एग्जीक्यूटिंग क्रिमिनल। भाई उसको जो है उस पर दया नहीं की जाएगी उसको मतलब क्रिमिनल को ज़्यादा सजा दी जाएगी। Since it became too expensive to keep the convict in prison, it was decided, क्या decide किया that he would be given a pension of 600 francs. उसको pension दी जाएगी 600 francs की क्योंकि prisoner है वो ये feel कर रहा था कि वो जब बाहर उसको छोड़ कह दिया गया कि तुम यहाँ से भाग जाओ भी सभी उसको गंदी नज़रों से देखेंगे कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा इसके लिए वो गया नहीं वो यहीं रहेगा इसलिए उसको जाने के लिए वहाँ से जाने के लिए खुद का गुजारा कर सके। द क्रिमिनल एमिग्रेटेड टू अ प्लेस जस्ट आउटसाइड द कंट्री। वो क्या है इस कंट्री से मतलब आउटसाइड की तरफ चला जाएगा। एमिग्रेटेड का मीनिंग होता है परमानेंटली दूसरी कंट्री में चला जाना। आगे देखिए कोलोकेशंस है व्हेन टू और मोर वर्ड्स ऑक्यूर टुगेदर फ्रिक्वेंटली इन स्पीड एंड राइटिंग इट इज़ नॉट चांस। सच कॉम्बिनेशंस है कोलोकेशंस का जैसे मर्डर वाज कमिटेड कम चीपर और ड्रॉ हिज पेंशन तो इसमें हमने यूज़ करना है। आगे देखिए यूज टेक ब्रेक और कैश टू मेक कोलोकेशन विद द फॉलोइंग भी कोलोकेशंस के हिसाब से कौन सा वर्ड यूज़ करेगा। टेक एन एग्जाम लेना ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना कैच इन्फेक्शन पकड़ना ब्रेक का रिकॉर्ड तोड़ना कैच पकड़ना फायर को टेक नोट्स लेना नोट्स को ब्रेक हैबिट तोड़ना जो है तोड़ना कैच मैंने पकड़ना ट्रेन को। चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। वट डज शी डू फॉर ए लिविंग क्या किया उसने। वट हैव यू डन विद योर ओल्ड कार। शी ट्राइज टू कीप अ हमेशा हाउस क्लीन क्लीन हाउस रखना चाहिए। इट रेंड हैविली होएगा हार्डली नहीं होता। लास्ट नाइट को हैविली भारी बारिश आई थी। प्लीज़ लेट द टेबल फॉर मी एंड यू हैव टू पे मतलब आप पे करेंगे फॉर ए फाइन ब्रेकिंग एंड विंडो पेन जो है उसने तोड़ दी थी खिड़की का शीशा उसको आप पे करेंगे। प्लीज़ प्रैक्टिस टू हार्ड टू विन द मैच आपको मेहनत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस मैच को जीतने के लिए। आई शुड नॉट मेक द सेम मिस्टेक दिस टाइम वो सेम मिस्टेक नहीं करेंगे। आगे देखिए बेटा ग्रामर का है फ्रेम सेंटेंस यूजिंग द कोलोकेशन गिवन बिलो दे रखा है। आगे देखते हैं रिलेटिव क्लॉज है जो रिलेशंस होता है जो ज्वाइंट करते हैं रिलेटिव। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस नॉट इज इन द क्लॉजेज इन द बॉयज हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सुनीता इज माई डॉक्टर। इस तरह से हम रिलेटिव क्लॉज करेंगे।
अंडरलाइन द ये है रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन सा है इसके अंदर, द डॉक्टर हु हैव यंग चिल्ड्रन, ये है जो है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज रिलेटिव क्लॉज जो बोलते हैं, जैसे कि इसके अंदर आई विश टू लिव इन ए हाउस दैट फेसिस द माउंटेन, दैट फेसिस द माउंटेन ये रिलेटिव क्लॉज, द फार्मर हुज क्रॉप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड हुज हैव बीन, ये क्या है रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज आर नॉट सेपरेटेड ऑफ विद कोमास, कोमास से मतलब क्या होता है नॉट सेपरेट, अलग नहीं किया जाता, इस क्लॉज में इसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस है, इसमें जो है मीनिंग होता है सेंटेंस का इसेंशियल जरूरी, एलिमिनेटिंग द जो रिलेटिव क्लॉज फ्रॉम ए सेंटेंस वुज चेंज इज मीनिंग टू मेक द मैसेज अनक्लियर, इसमें चेंज कर देता है मीनिंग को जिससे मैसेज थोड़ा अनक्लियर हो जाता है, इसमें हु का होम का हुज का यूज्ड पीपल किया इनका यूज़ किया जाता है, जैसे विच का दैट का हुज का यूज थिंग्स के लिए, लोगों के लिए यूज़ किया जाता है हु होम हुज, और थिंग्स के लिए किसका यूज़ किया जाता है विच का दैट का और हुज का इसका यूज़ किया, व्हेन इज़ यूज्ड फॉर टाइम वेयर इज़ यूज्ड फॉर प्लेस, व्हेन का यूज़ टाइम के लिए किया जाता है वेयर का यूज़ प्लेस के लिए किया जाता है, दैट का यूज़ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज नॉट जो है डिफाइनिंग क्लॉज के लिए किया जाता है, जैसे कि अ पर्सन हु चीट्स अदर हैज़ नो राइट टू पीच प्रिच होनेस्टी, द बॉयज हुम वी हेल्प लास्ट नाइट, द स्टूडेंट हुज प्रोजेक्ट हैव बीन डिस्प्लेयर्ड, द स्कूल दैट हैज़ हेल्प द मैक्सिमम नंबर ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, द गर्ल हु सेंट लास्ट नाइट हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वॉइस, ये सीवन पार्ट बेटा, ये इसमें हमने रिलेटिव क्लॉज को अंडरलाइन किया है। स्टूडेंट्स आज हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे, ओके स्टूडेंट्स।